आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो और काम की बात में जैसे कि मैंने आपको शो के स्टार्ट में बताया था कि आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक पावर कपल से। जब भी हम कहते हैं कि किसी कपल के बारे में बात करते हैं तो अमूमन हम ये देखते हैं कि कोई एक इंसान दूसरे की जो है ना बुराइयाँ कर रहा होता है, या हम देखते हैं वो वाला स्पार्क नहीं रहा शादी के कुछ अरसे के बाद। हम कहते हैं कि कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो साथ में करें। फिर इन माई केस जब मैं अपने पेरेंट्स को देखती हूँ मैं कहती हूँ क्या मोहब्बत है, और फिर जब मैं अपने हस्बैंड के पेरेंट्स को देखती हूँ तो भी मैं कहती हूँ क्या मोहब्बत है। तो क्या हम यहाँ पर हमारी जो जनरेशन है आर वी मिसिंग आउट ऑन समथिंग? ज़माना इतना फास्ट पेस्ड है, हम एक दूसरे की चीज़ों को वैसे एक्सेप्ट नहीं करते, तो क्यों ना हम आपको एक ऐसे कपल से मिलवाएँ जो कि माशाल्लाह 35 ईयर्स से मैरिड हैं, खुश हैं, ना सिर्फ खुश हैं बल्कि एक दूसरे के हर चीज़ को जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के साथ जिसको हम कहते हैं पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन उसका मुजाहरा करते हैं। और ये दो लोग करते क्या हैं, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जिन खातून की मैं बात करने वाली हूँ उनको आपने देखा हुआ है राबिया खान शो में, मैं उनको देखा करती थी और सच में उनको पर्सनली नहीं जानती थी। वो बड़े मज़ेदार से पूरी दुनिया के खाने बनाया करती थी, ज़ोफ़िशा हसन, और उनके साथ उनके हस्बैंड हैं, और ये दोनों बेसिकली लाइफ कोचेज हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। हसीब हसन हैं CEO कंपनी इंटेक सॉल्यूशंस के, और इनके साथ साथ ज़ोफ़िशा हसन हैं मैनेजिंग पार्टनर हैं। तो इनको वेलकम करते हैं जो कि है एक पावर कपल इन रियल लाइफ आल्सो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू यू। कैसे हैं आप? वेरी नाइस। आपको कैसा लगा कि मैंने ज़ोफ़िशा को हम ज़ोफ़ी भी कहती हैं और वो नादिया खान के शो में भी जो है वो ज़ोफ़ी कहा जाता था, तो कैसा लगा कि हमने ज़ोफ़ी से स्टार्ट करते करते आप पर आए? बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक लगा। ऐसे ही होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए, क्यों नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब मैं आपको देखती हूँ, क्योंकि मैं इनके घर भी जा चुकी हूँ, ये लोग यू नो मोटिवेशनल कोचेज हैं, लाइफ कोच हैं, इतने सारे इवेंट्स डिफरेंट कॉर्पोरेट इवेंट्स के लिए वो कर रहे होते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो आप लोगों की जो केमिस्ट्री है वो दिखती है। सो मुझे ये बताइए, व्हेन यू गॉट मैरिड, वहां से लेकर इस केमिस्ट्री तक का ये क्या सफर है, व्हाट्स द ट्रांजिशन? इट्स ब्यूटीफुल। कई दफा लोग पूछते हैं कि डू यू लव योर हस्बैंड एज मच एज यू डिड व्हेन यू फेल इन लव विद हिम। तो मैं उनसे कहती हूँ कि इन लव की एक और सिचुएशन है, वो एक डिफरेंट किस्म का लव है, लेकिन इस एज पे आके मेरा लव और ज़्यादा और डीपर हो गया है। वो बटरफ्लाई फीलिंग्स नहीं होती हैं स्टमक में जैसे शुरू शुरू के प्यार में वो होती है, लेकिन ये ज़्यादा खूबसूरत किस्म की एक रिलेशनशिप बन जाती है। बिल्कुल। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांगो, उसका यही मतलब है कि वो भी है मगर ये एक फर्क किस्म की मोहब्बत में कन्वर्ट हो जाती है। कन्वर्ट हो जाती है। 35 इयर्स हसीब, इसके सबसे खूबसूरत, इस जर्नी के सारे जो खूबसूरत पार्ट्स हैं वो एक्सप्लेन कीजिएगा। व्हाट्स द सीक्रेट ऑफ दिस हैप्पी मैरिज? हर पेशेंस। ये नहीं बोले भाई, ये नहीं बोले, अदरवाइज फिर बुलाएगी, क्या बात हुई? व्हाट्स योर इनपुट, आपका क्या इनपुट है? नहीं, आई थिंक ये हमारी अरेंज मैरिज थी, अरेंज एंगेजमेंट थी और लव मैरिज थी। सही। एंड देन सो थैंक्स टू अम्मा एंड बाबा के, उन्होंने मुझे लाइक यू नो ज़ोफ़िशा जैसी। बट या आई थिंक फिर हम लोगों ने इकट्ठे काम भी शुरू किया, पहले तो 10-11 साल थी, शी वाज अ होममेकर, एंड देन वंस द किड्स थोड़े से ज़रा बड़े हुए तो उसके बाद हम लोगों ने इकट्ठे काम शुरू किया। फिर जो हमने ट्रैवल्स किए हैं अपनी बिरूने मुल्क में जाके, दुबई बेस थे हम लोग जैसे आपको पता है, बट आई थिंक जो एक कॉमन बॉन्ड था हमारा, काम का भी था, बच्चों का भी था, ट्रैवल्स का भी था, हमारी हॉबीज़ भी इकट्ठी। बड़ी मास्टर शेफ हैं ये, मैं उनका सू शेफ हूँ। नहीं, आप भी खैर बहुत अच्छे शेफ हैं, ये खुद भी बहुत अच्छे खाने बनाते हैं। ज़ोफ़ी तो हैं ही अमेजिंग ना, इनके खाने तो आपने जो है वो नेशनल टीवी पे देखे हुए हैं, इतने कॉन्टिनेंटल मज़ेदार तरीके के खाने। अच्छा, आई वांट टू आस्क यू समथिंग जो कि मैं आपको इन कपल के बारे में बताना भी चाहती हूँ कि 52 कल्चर्स से आप लोगों की आगाही है, आपने इतना ट्रैवल किया है, इतने सारे कल्चर्स को इतना क्लोजली देखा है कि वो आपके फ्रेंड्स हैं और आप लोग साथ में जो है वो घूम फिर रहे होते हैं, यू नो एक दूसरे की लाइफ में इन्वॉल्व होते हैं। आपने क्या देखा ज़ोफ़ी के इतने सारे कल्चर्स में और पाकिस्तान में, क्या इस ये जो रिलेशनशिप है हस्बैंड वाइफ का, क्या कोई सिमिलैरिटी है, डिफरेंसेस हैं? देखो, इन द एंड वी आर ऑल ह्यूमंस, और रिलेशनशिप्स की नौयत सेम होती है, सिर्फ रिस्पॉन्सेज और किस तरह से ज़िंदगी जीते हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, बट थ्रू आउट द वर्ल्ड
ये छोटे छोटे हम समझते हैं कि जो व्हाट वी आर फीलिंग थ्रू के हम हमारी रिलेशनशिप ऐसी है, तो वो कोई अनोखी नहीं है. दुनिया भर में यही छोटे छोटे चैलेंजेस आते हैं. मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि मैं थोड़ी सी रिसर्च करती होती थी रिलेशनशिप पे. तो एक कपल है, वो एक एसी बहुत ठंडा कर देता है और एक को जो है वो लगता है कि गर्मी है और एक को लगता है सर्दी है. हर कपल के अंदर ये डिफरेंस है. हर कपल के अंदर वो कभी हीटिंग अगर तेज हो रही है. सो दीज आर द कॉमन थिंग्स बिकॉज हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं एंड इट्स बीन ब्यूटिफुल. एक बात जो आप हसीब से कह रहे थे, हमारी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन तब हुई थी जब वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर. ये मैं पूछना चाहती हूँ. अच्छा, ये मैं यहाँ पे जैसे अभी बताया भी हसीब ने, जोफी ने, कि आप यू वर अ होम मेकर एंड पहले तो आप अपने बच्चों के बारे में थोड़ा सा बताइए कितने हैं, फिर उसके बाद जो है वो हम आपकी काम की जर्नी से के बारे में सही करेंगे. सो हमजा सबसे बड़ा वो वैनकूवर में होते हैं, ही इज वर्किंग देयर. एंड फिर उनके बाद अमल हैं जो चैरिटी वर्क कर रही हैं हुंजा के अंदर, बच्चों को मुफ्त पढ़ा रही हैं और उनको एक्सपोजर दे रही हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट से भी और पेंटिंग से भी. और छोटी जो हमारी मिरल हैं, उन्होंने शेफ बनना चाह रही हैं और उन्होंने उसमें कोर्सेस किए हैं, तो वो बस अभी इन बिटवीन है. जैसे आजकल की जनरेशन है, दे आर स्टिल थिंकिंग वेयर टू टेक देयर लाइफ, आगे कहाँ लेके जाना है. तो ये टैलेंट आई थिंक आप दोनों से मिला होगा, वो शेफ वाला जो है ना, यू नो दिस थिंग. अच्छा, मुझे ये बताइए कि अब हमने आपके बच्चों के बारे में डिस्कस कर लिया, नाउ यू वर अ होम मेकर, व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम जब आपने सोचा कि नहीं आपको जो है वो हसीब का पार्टनर बनना है या आपने कोई काम स्टार्ट करना है, व्हाट वाज दैट जर्नी लाइक? उससे पहले मैं बच्चों की, मतलब यहाँ कराची में भी DHA का जो डे केयर सेंटर था उधर भी कर रही थी, बट वो ऑल अराउंड द किड्स था, मेरी अपनी कोई स्पेसिफिक फील्ड नहीं जा रही थी. तो व्हेन वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तो शुरू में तो मुझे लगता था कि मैं एक जो फर्स्ट 6 मंथ है ना, कि मैं एक सेकेंड बर्दाश्त नहीं कर सकूँगी फ्रॉम living together to working together, बहुत बड़ी transition होती है. तो थोड़ा सा अगर उस वक्त आप सब्र कर लें या tolerate कर लें, तो उसके बाद अब looking back 27 साल में deeper and deeper हमारी relationship होती गई, which impacted our personal life as well as professional life. तो ये आपका इस पे perception है, हसीब जब आप काम कर रहे थे and when she joined you, how was that experience for you? पहले ये homemaker थी, अब मैं homemaker हूँ. Roles reverse हो गए उस चीज के अंदर, but it's really good. देखिए, हसीब को चाहिए था कोई ऐसा जिनसे बात वो ट्रस्ट कर सके, जिनसे वो बात कर सके. हमारा तो है ही सेल्फ डेवलपमेंट की फील्ड. बिल्कुल. तो उन्होंने कहा कि दूर जाने की क्या ज़रूरत है. एक इंश्योरेंस वाला इनके पास आया, उन्होंने कहा जब आप नहीं होंगे तो आपकी फैमिली को कोई ना कोई सिक्योरिटी चाहिए. तो उन्होंने कहा सबसे बड़ी सिक्योरिटी है कि मैं जोफी को ऑन बोर्ड ले लूँ, और ये इससे ज़्यादा मैं क्या, उसको भी स्किल्स वो वाले आ जाएँ तो मुझे फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दैट माई फैमिली वेयर इट विल गो इफ़ खुदा न खास्ता समथिंग हैपन्स. Wow. तो अब सारी की सारी स्केजुलिंग, फाइनेंशियल, सारा कुछ जोफी कंट्रोल करती हैं. मुझे पॉकेट मनी मिलती है और साल में 2 महीने की छुट्टी मिलती है. भाई तो रोल ही जो है ना वो रिवर्स हो गया, आप समझ ले कू हो गया है. बिल्कुल, टेबल्स हैव टर्न्ड. अच्छा, मुझे ये बताएं कि फॉर एवरीबॉडी हु इज अ कपल, चाहे उनकी शादी को 2 साल हुए हों, 10 साल हुए हों, रिगार्डलेस ऑफ जितना टाइम हुआ है, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज हैं जो हस्बैंड वाइफ को करनी चाहिए जब उनको लगता है कि वो स्पार्क कम हो रहा है, मोनोटोनस हो गई है लाइफ? हसीब और जोफी, जी आप बताइए. महीने में एक बार तो कम से कम डेट नाइट होनी चाहिए. डेट नाइट, और इसका मतलब है कि बच्चे आपके साथ नहीं हैं? नहीं है, ठीक है. और आपको कैंडल वाली जगह पे आपने ऑर्गेनाइज किया हुआ है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि एक नया रेस्टोरेंट हो. ये नहीं कि अपने फेवरेट रेस्टोरेंट्स में चले गए वो इसी जगह पे. गुड वन, या सो डू न्यू थिंग्स टुगेदर. न्यू थिंग्स टुगेदर. देखें, बच्चे आर ग्रेट बॉन्डिंग फॉर अ कपल, आई अग्री. लेकिन उनकी वजह से जो एक स्पेशल रिलेशनशिप आता है उसमें या ब्रेक आ जाता है या इतनी मसरूफियत हो जाती है बच्चों को लुक आफ्टर करने में, दैट हस्बैंड एंड वाइफ फॉरगेट कि पहला उनका है कनेक्शन एक दूसरे के साथ. सो इसलिए ऐसी चीज़ें एज अ फैमिली तो करते ही हैं, हम कहीं पिकनिक वगैरह चले गए, बट ये सेपरेट बहुत ज़रूरी है. नई नई चीज़ें करें, नई नई हॉबीज़ करें, कुकिंग क्लासेस ले लें इकट्ठे. हाँ. अगर नहीं है यूरो, कई कपल्स डांसिंग सालसा क्लासेस ले लेते हैं एक बॉन्डिंग के लिए. तो नई नई चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, तब कभी भी ये
पुरानी नहीं होती या स्पार्क जाता नहीं. बिल्कुल. यू हैव टू डू थिंग्स टुगेदर और कॉमन सब्जेक्ट्स भी चूज कर लें. घर आके एक दूसरे से मतलब ऑफिस का गुबार निकालना या कुछ उसके अलावा टॉपिक्स पहले से ही सोच लें आइदर ऑफ द कपल्स के मतलब स्पाउसेस के किस पे बात करनी है तो बहुत अच्छा रहता है. एक इवनिंग डिनर जो है वो फन एक्टिविटी बन जाता है बजाय इसके कि बस वो क्विबलिंग या नैगिंग या उस तरह वाला जा रहा है. और yes. और आपने कहा कि जैसे हमारा वो एक्सपीरियंस दूसरे मुल्कों का बहुत ज़्यादा है, हमारे इतने ज़्यादा क्रॉस कल्चरल किस्म के दोस्त हैं, शायद ही कोई नेशनैलिटी ऐसी हो जिससे हमारी दोस्ती ना हुई हो. तो पाकिस्तान के हवाले से इंटरनेशनली और रिलेशनशिप्स के ऊपर आपने बात की तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं, यहाँ पे फैमिली सिस्टम्स हैं. यहाँ पे हस्बैंड वाइफ की शादी होती है और मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में जो लड़की है वो आके लड़के के पेरेंट्स पे के घर पे आके वो रहती हैं. तो जितने लोग ज़्यादा होंगे घर के अंदर अदर देन द हस्बैंड या वाइफ तो फिर वो कॉम्प्लिकेशंस भी उतनी होती हैं. बिल्कुल. अच्छा, सो आई थिंक इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, कॉम्प्लिकेशंस भी हैं, फ़ायदे भी हैं उसके. सो जब एक कपल जो है वो अकेला रह रहा है यानी कि जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है, सो उसमें ऑफकोर्स आप दूसरे इंसान को ही ब्लेम करते हैं ना. सो ऐसी कौन सी आदतें थी जो कि जब आपकी शादी हुई, जैसे आपने बताया टेम्परेचर का, एसी का, जो आपको लगे कि ये मुश्किल है इसमें कुछ मिडिल ग्राउंड निकालना, इज देयर समथिंग? छोटी छोटी बातें होती हैं. हाँ. मसलन मेरे एक अंकल थे, उनकी डिवोर्स किस बेसिस पे पहला क्या शुरू हुआ था कि देखिए टूथपेस्ट आगे से कौन दबाता है और पीछे से कौन दबाता है. दरमियान में से टूथपेस्ट कर लेते हैं ना कई लोग, जो इरिटेटिंग होता है दूसरे के लिए. कि कितनी बार कहा है कि ये इसको पीछे से दबाया करो या आगे से दबाया करो. तो ये छोटी छोटी इश्यूज जो हैं ये पाइलअप होते हैं. हम लोग कम्युनिकेट नहीं करते हैं हस्बैंड वाइफ्स आपस में रहते हुए. हमारे कल्चर में कम्युनिकेशन बहुत कमजोर है. बिल्कुल. हम लोग माँ बाप से नहीं करते कम्युनिकेट, बहन भाइयों से नहीं करते. अच्छा, ये आपने जो अभी ये टूथपेस्ट वाली बात की, आई एम श्योर कि जब हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे वो पाइलअप हो जाती है चीज़ें, वो करते 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 वो अपब्रिंगिंग और पता नहीं किन किन चीज़ों पर चली जाती है, तो वो आखिर में टूथपेस्ट नहीं होगी रीजन, लेकिन स्टार्ट उससे हुआ होगा. लेकिन वो एकदम लड़ाई जो होगी वो किसी और बात पे होगी, उस वक्त वाला नहीं है. क्योंकि हम जो हसीब ने बात बहुत अच्छी की कि हम वी टॉक बट डोंट कम्युनिकेट, हम बात करते हैं लेकिन दिल से कम्युनिकेट नहीं करते. चाहे आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के साथ रहें, चाहे आप अकेले रहें, कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है. और अगर मियाँ बीवी हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करें तो ये प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं. देखिए जहाँ इतने सारे लोग रहेंगे वहाँ चैलेंजेस तो होते ही हैं, लेकिन अगर आप आपस में कर दें कि यू नो किसी ने कहा कि अम्मा की तबीयत आपको पता ही है ऐसी हैं, तो वो इसलिए थोड़ा सा कर लिया करो स्वीट हार्ट प्लीज. जब वो करती है इतना सा कहने से क्यों नहीं कोई दिल जान अपने निचावर कर देगा. सो इट्स हाउ यू कम्युनिकेट. बिल्कुल. अच्छा, ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपको ये बताएंगे कि आई डोंट नो कौन ज़्यादा गुस्सा करता है, कौन कम गुस्सा करता है. सो थोड़े से हम क्विक फन रैपिड फायर क्वेश्चंस इनके साथ करने वाले हैं. एंड ऑल्सो कोई भी ऐसे चैलेंजेस जो एक कपल फेस करता है, उसी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ किस तरह से बनाना है ज़िंदगी गुजारने के लिए, और कौन कौन सी ऐसी टिप्स होती हैं जो कि जरूरी है, गोल्डन रूल्स बाय दीज अमेजिंग पीपल हु आर ऑलवेज हैप्पी टुगेदर, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं. पावर कपल हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, हसीब हैं और जोफी हैं. मैं इनको जोफी बोलती हूँ, जोफे शाह बोल सकते हैं अगर आप बोलना चाहें. वो नादिया खान के शो से जो इनके फैंस हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा शो इन्जॉय कर रहे होंगे. हम बात करें एक हैप्पी कपल के बारे में. अच्छा, यहाँ पर हम ब्रेक में डिस्कस कर रहे थे, मैं जोफी को कह रही थी कि जोफी हमारे यहाँ हसीब जब हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की तारीफ करते हैं तो जो साथ में मौजूद लोग होते हैं, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो चाहे वो दोस्त हो, वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. हमारे माशरे में ये है. और अगर वो बुराई कर रहे होंगे कि मेरी बीवी तो हमेशा लेट होती है, यही तो करती ही ऐसे है, या वाइस वर्सा, तो इट्स ओके. सो मुझे ज़रा बताइएगा कि इज़ इट देयर इन एवरी कल्चर और इज़ इट इन आर कल्चर? दूसरे कल्चर में, वेस्टर्न कल्चर्स में, जैसे यहाँ ज़्यादातर ख़वातीन अपनी सास की बात करती हैं तो वहाँ जोक बना हुआ है वेस्टर्न कल्चर में, द गाइज दे टॉक अबाउट देयर मदर इन लॉज. इट्स नॉट दैट वे, बट वो अपनी सास की बात करते हैं कि बेगम की जो अम्मा है वो तंग करती हैं. सो मतलब अगेन चेंज हो जाता है थोड़ा सा रोल्स उसके अंदर. लेकिन हमारा कल्चर जो है वैसे ही गॉसिपिंग कल्चर है, आई एम सॉरी टू से. है तो सही. इट्स लाइक, तो इस वजह से ये सारे चलते रहते हैं उसके अंदर कि ये है.
wives talk about their in-laws and the husband to their friends sometimes. ये भी है, common है. तो वो ज़्यादा acceptable ऐसे है और हर कोई सुनता है. लेकिन एक बात मैं homemakers को कहूँगी कि you know everybody likes to see you miserable. तो जितना आप और करेंगी ना कि मेरा मियाँ ऐसा है, मेरी सास है, उतना ही आप feed कर रहे हैं उस gossip को और people खुश होते हैं इन चीजों से. तो जरूरत ही नहीं है इस बारे में बात करने की, भाई खुद हैंडल करें आप ऐसे. बिल्कुल. और अब एक चीज कही भी जाती है कि मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं. सो हसीब की लेट्स से सबसे अच्छी बातें आपको पता होंगी, सबसे बुरी बातें भी आपको पता होंगी, मगर इफ इट्स वर्किंग आउट फॉर यू उससे अच्छी क्या बात हो सकती है, राइट? तो हसीब, जब आप ज़ोफ़ी की तारीफ करते हैं, हमने देखा है कि हमारे माशरे में इस तरह की चीज़ें कम हैं. सो ये नेचुरली आता है, इज़ इट यू नो, इज़ इट अ थॉट जिस पे आप सोचते हैं कि नहीं, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना ज़रूरी है? देखें, ये अपने बात की कल्चर की बड़ी अच्छी बात की आपने. ये हमारे कल्चर, हमारा कल्चर है क्या? हमारा कल्चर है शेम कल्चर, अकॉर्डिंग टू एंथ्रोपोलॉजी, कि हम लोग किस कल्चर में डिफाइन होते हैं. तो शेम कल्चर मींस के लोग क्या कहेंगे, बेइज्जती हो जाएगी. ओहो, ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग है हमारे. बिल्कुल, बिल्कुल. तो उसके अंदर फिर बंदा वो शर्मो हया में ही रह जाता है, यार पता नहीं मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, अगर मैं पब्लिक में अपनी बेगम को हाथ लगा रहा हूँ या फिर ये कोई तारीफ कर रहा हूँ, तो ये कुछ शर्माने की क्या बात है इसके अंदर यार. हमने तो एक डॉक्यूमेंट साइन किया हुआ है कि हम मियां बीवी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. बिल्कुल. और मुझे थोड़ी सी चिड़चिड़ती होती थी, हसीब ज्यादा डिस्प्ले करते हैं अफेक्शन, ठीक है, पब्लिक में, ठीक है. अब अगर खाला सास बैठी हुई है तो तब भी आके वो मेरी चीक पे अगर एक छोटी सी किस देंगे तो मुझे होता था, मुझे पहले बहुत गुस्सा चढ़ता था कि भाई मतलब देख ले आप. बट फिर आहिस्ता, मेन बात मैं कहना चाह रही थी कि बहुत शुरू की शादी के शायद 20-25 साल मैंने, आपने कहा ना इनकी कौन सी आदत है, मैंने टॉलरेट किया. एक फर्क है टॉलरेशन में और एक्सेप्टेंस में. मैं मेल डोमिनेटिंग वेरी गुड पॉइंट, नहीं बहुत अच्छा, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी का प्रोडक्ट था. पहले 25 साल बड़ी अच्छी की मैंने, लेकिन उसके बाद फिर हम लोग लंकावी गए हुए थे, मलेशिया, बच्चे तब तक बड़े हो गए थे, निकल गए हुए थे, उसके बाद रिलेशनशिप चेंज हुआ. फिर मैंने सोचा यार कि डैमेज कंट्रोल करो फॉर ऑल द डैमेजेस दैट आई हैव डन इन माय लाइफ. ठीक है. तो सुबह की चाय मैं बनाता हूँ पिछले 10 साल से. सही. तो अभी 3 महीने पहले मैं चाय बनाता हुआ हुंजा में, मैं जल भी गया थोड़ा सा. तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है सपोर्ट सिस्टम से बात का थोड़ा सा नहीं, खैर अच्छा खासा. लेकिन वो 3 महीने बहुत ज्यादा तकलीफ के गुजरे थे हसीब के. एंड वो ही ना कि फैमिली सपोर्ट होना कितना जरूरी है. अच्छा, अब कुछ फन क्वेश्चंस हैं भाई आप लोगों के लिए, रैपिड फायर है. आपने बताना है कि हु इज मोर लाइकली टू डू दिस. ठीक है, देखते हैं कि कितना जो है ना वो सेम जवाब. मैं पहले ही बोल दूं ये पच्चीस साल पहले की और स्टोरी थी, अब स्टोरी और है. चले लेट्स सी, लेट्स सी. किसको तैयार होने में ज्यादा टाइम लगता है? What do you say? हसीब को. ठीक है. I believe you, मगर do you believe her? और 16 संघार भी करना होता है इंसान में. सेल्फ लव का हिस्सा है. टेबल्स वाकई टर्न्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल ही कंप्लीटली टर्न्ड है. अच्छा, आप लोग जब साथ पे टीवी देखते हैं तो रिमोट किसके पास होता है? उस पर लड़ाई नहीं हुई कभी हमारी. अच्छा, मतलब ये कहेंगे आप मूवी चूज कर ले, मैं कहूंगी आप कर दें, तो वो हम इसमें तो कभी लड़ाई हुई टीवी नहीं, देखते नहीं हम लोग. मतलब अगर कोई मूवीज देख लगा ले, लेकिन इट्स अ वेरी गुड थिंग जो आप कह रहे थे ना कि एक्टिविटीज साथ में करना, जो साथ में एंजॉय करती हूं, तो उनको उन मूवीज को डिस्कस करना और प्लान करना इज आल्सो एन एक्टिविटी. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. और जिसके हाथ में रिमोट होता है वो दूसरे से पूछता है क्या देखना है. ओहो, ये जो है ना वो एक सीक्रेट निकला है यहां से. अच्छा, जब आप लोगों की लड़ाई होती है तो पहले सॉरी कौन बोलता है? अव्वल तो मैंने कहा ना, जब से वर्किंग की हम लोग, वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर, तब से हमारी लड़ाइयाँ लिटरली नॉन एग्जिस्टेंस. और जब होती थी तब सॉरी कौन बोलता था? हमारी कभी मेजर लड़ाई नहीं हुई. नहीं हुई तो सॉरी कोई बोलता. लेकिन सॉरी में मुझे कभी मसला नहीं हुआ, मेरे में थोड़ी सी पेशेंस ज़्यादा थी तो मैं सॉरी कह भी देती थी. और हसीब को माशाल्लाह नाउ ही ऑलवेज से सॉरी कुछ कहते हुए कि सॉरी ऐसे कर लें हम, तो वो जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज़ करूं जैसे मेरे वाले साहब कहते थे. सो अब वो इक्वेशन बन गई आयशा, मतलब हमें सोचना भी नहीं पड़ता कि कौन क्या कहे या किससे क्या पूछे, वो इट जस्ट फॉल्स इनटू प्लेस. एंड ये एक आइडियल सिनेरियो है बाय द वे, बिकॉज़ अगर इस पे एक क्रिस्प किस्म का रिप्लाई होता ना तो दुनिया जो देखती है वो कहती है कि अमूमन हम किसी भी कपल को देखते हैं और कहते हैं कि ये वाला डोमिनेटिंग है. नहीं, वैसे तो इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि दोनों जो है वो बिल्कुल इक्वल पार्टनर्स हैं. अच्छा, आप दोनों में से सबसे ज्यादा फोन पे टाइम कौन स्पेंड करता है? ज़ोफ़ी.
झूठ, बिल्कुल झूठ, लड़ाई 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 ये ज्यादा करते हैं अब तो फोन्स वर्क में भी ट्रांसफर हो गए, मैं ना हर चीज फोन अच्छा, पे तो उसके लिए बोल रहे हैं कि अब वर्क नहीं, लाइक स्क्रॉलिंग ऑन फेसबुक अगर ये इन्हें पैदा किया जाता ना फोन के साथ तो बस इनका हाथ ऐसे कान पे ही होता है. सीरियसली ऑफ कोर्स वी हैव टू बाय दिस. ठीक है, आप सही कह रही थी, सारी चीजें वहीं जा रही हैं. अच्छा, खाना जो है वो ज्यादा अच्छा कौन बनाता है? फॉर श्योर मैं अच्छा बनाती हूँ, लेकिन ये मेरे बहुत अच्छे हेल्पर शेफ सू शेफ और मजे की एक बात बता रही हूँ टू ऑल द स्पाउसेस, टू द फीमेल्स, कि अपने हस्बैंड वो कुछ भी बनाए ना, अंडा भी उबाल दें तो उनकी बहुत सारी तारीफ करें, बिकॉज वो एक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट है और वो और खाने बनाना चाहेंगे ताकि उनकी और तारीफ हो. तो अगर आप चाहती हैं कि आपने आपके मियाँ अच्छा खाना बनाए तो पहले उनके साथ पकाएं और फिर जब वो बनाएं तो कहें वाह इससे बेहतर तो खाना कभी खाया ही यार. अच्छी टिप दी है सोफी. एंड सेकंडली टू बी ऑनेस्ट विद यू, हम लोग अब मिलके बनाते हैं खाना. वो कैसे? सोफी बेड पे लेट के मुझे बताती रहती है क्या करना है और मैं करता हूँ. ये वाला मिलके आप भी बनाएं, लाइफ जो है ना वो अच्छी हो जाएगी. या वाइफ्स की तो अच्छी हो जाएगी, हस्बैंड्स का नहीं पता, वो हम आपसे पूछेंगे बाद में. वेरी गुड टिप. अच्छा, और दोनों में से गुस्सा किसका तेज है? पहले मेरा था, अब इनका. रोल्स थोड़े से रिवर्स हुए हैं, इवन दो आई डोंट बिलीव कि मेरा गुस्सा है, लेकिन हसीब का गुस्सा हमेशा ज़्यादा होता था पहले, वर्क टेंशंस और मुझे बच्चों की टेंशंस. तो जब कोई गुस्सा कर रहा हो तो एक कोना थोड़ी देर के लिए बैकअप करना चाहिए, पावर प्ले नहीं होना चाहिए. जब पावर प्ले होना तब लड़ाइयाँ कम नहीं होती हैं, बढ़ती जाती हैं. तो हमारे में पावर प्ले नहीं है, लेकिन बन हम इसलिए गए पावर कपल बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू. जब ये गुस्सा कर रहे हों तो मैं थोड़ी देर करूँ, जब मैं हो जाए तो ये भी पेशेंस से सुन लेते हैं. ये आपने बड़ा अच्छा किया कि आपने दोनों की साइड का बताया, बिकॉज जब भी हम कभी ये कहते हैं ना कि किसी एक इंसान को गुस्सा आ रहा हो दूसरा खामोश हो जाए, तो इसका एक आजकल गलत भी मतलब दिया जाता है कि क्या मतलब जो है वो दूसरा सबमिसिव रहे हमेशा. नहीं, लाइक सोफी सेड कि उस वक्त when things are, you know, उसी वक्त fresh हैं, उसी वक्त का argument है तो चुप हो जाए, बाद में आप उसी चीज को तरीके से समझा सकते हैं, right? 100%. बिल्कुल. अच्छा, आप दोनों में से ज़्यादा भुलक्कड़ कौन है? मुझे लग रहा है वहाँ जाएगी. नहीं, I think कुछ कोई वो कह नहीं सकते. भुलक्कड़ हम दोनों नहीं, इतना नहीं. मुझे भुलक्कड़ कहा जाता था जब मैं बचपन में वो थी, तो उसकी वजह से मैंने बहुत से स्किल्स ऐसे लिए कि मुझे याद रहे. आई यूज़ टेक्नोलॉजी, आई यूज़ कैलेंडर्स, हर चीज़, बल्कि मैं ओवर ऑर्गेनाइज हो गई हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ किसी चीज़ पे. तभी आपने भी नहीं बोला कि वो भुलक्कड़ है, कोई भी नहीं है. ये लाइफ इस हमारी जो है ना ड्राइविंग सीट पे यही है, मैं बैक सीट पे हूं. ये ही प्रेफर्स दैट आई ऑर्गेनाइज एवरीथिंग एंड ही जस्ट शोज अप. टेंशन ही कोई नहीं है ना, मुझे बिल्स की फिक्र ना किसी और चीज की फिक्र, ना ट्रैवलिंग की फिक्र, ना स्केड्यूलिंग की फिक्र. पिछले चंद सालों में तो मेरी जिंदगी बड़ी एक सही किस्म की चल रही है. हमने शो के लिए भी जब रابطہ करना था इन दोनों से तो फिर हमने सोफी से ही किया, बिकॉज़ वी वर लाइक भाई आई ट्रस्ट इनका टाइम, सब कुछ मैनेज यही कर रही होती है. अच्छा, आप दोनों में से ज्यादा लविंग कौन है? आई थिंक हसीब ज्यादा लविंग. ही इज वेरी रोमांटिक एंड लविंग, सो ही एक्सप्रेसेस इट वेल टू, तो आई थिंक ही इज वेरी लविंग. मैरिड टू अ वुमन लाइक ज़ोफिशा, वन हैज टू बी रोमांटिक. वाओ, सीख ले सारे यहाँ पे मर्द हजरात, जितनों की शादी नहीं हुई, जितनों की हो चुकी है, पता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप एज अ वाइफ आप कुछ भी कर लें, दुनिया भर आपकी जो है वो तारीफें करें, लेकिन जब तक आपका लाइफ पार्टनर एक कॉम्प्लीमेंट ना देना, आपको लगता है कि कुछ कमी है. इट्स सो इजी टू डू, इट्स सो इजी टू डू. और कॉम्प्लीमेंट कोई बड़े नहीं जरूरी हैं, कुछ किसी चीज में भी आप उनकी तारीफ कर दें. मैं तो यही कहती हूँ कि इफ आई वाज टॉकिंग टू होम मेकर्स या वाइफ्स, तो मैं कहूँगी भाई बहुत आसानी से आप यू नो यू कैन ब्रिंग आउट द लव, बिकॉज मेन आर दे आर इनोसेंट और आप उनको बहुत आसानी से यू कैन रैप देम अराउंड योर फिंगर. और हस्बैंड्स को भी मैं ये कहती हूँ कि भाई इतनी इतनी क्यूट आपकी बेगमात हैं, उनको जरा सा एक फूल ही दे दे तो ऐसे हो जाएंगी कि एक जैसे फूल. वाकई सही कह रही, एक फूल. यहाँ पे हम खर्चे की भी बात नहीं कर रहे हैं. दैट्स सो ट्रू. अच्छा, सोते हुए खराटे कौन लेता है? आई थिंक अब तो मैंने बहुत ज्यादा लेने लगे हैं. और ये मुझे पता है क्या कहते हैं, वो कहते हैं तुम्हारे क्यूट क्यूट खराटों की आवाज आ रही थी, मतलब ये नहीं. और मुझे यही होता है कि पता नहीं जोर से कर रही थी और ये मुझे कहते हैं कि क्यूट क्यूट खराटे ले रही थी. अब इसकी जरा जो है ना वो बैक स्टोरी बताएंगे. जो क्यूट क्यूट खराटे आपने पैसिव अग्रेसिव होके बोला है या यू एक्चुअली फाइंड देम क्यूट, बिकॉज दैट्स द हाइट ऑफ लव? नहीं, मुझे तो ये हर शेप में पसंद है. वेल, अच्छा
मुझे मैं भी ऐसे कुछ कपल्स को जानती हूँ, मैं रिलेट कर सकती हूँ इस बात से, लेकिन फिर ऑफ कोर्स द वे यू स्नोर उस पे भी डिपेंड कर रहा होता है, इट्स बेरेबल नॉट ऑल राइट. अच्छा ये सवाल इस पे नहीं है, लेकिन आई रियली वांट टू आस्क यू कि जब हम लव लैंग्वेजेस की बात करते हैं, अक्सर ऐसा होता है मियां बीवी में कि लव लैंग्वेजेस अलग होती हैं, एक को अप्रिसिएशन ज़्यादा पसंद है, एक को एक्ट ऑफ सर्विस यानी कि यू नो एक दूसरे के काम करना ज़्यादा पसंद है. वॉट इज़ योर लव लैंग्वेज? I think through actions. कहते तो हैं, देखो अभी भी बहुत सो को लग रहा होगा कि हम प्रिटेंड कर रहे हैं इस चीज का कि बहुत है, एक फसाड बनाया हुआ है. मैं I think 3 साल से तो देख रही हूँ at least. So वो वाला नहीं है, but मुझे ये लगता है I appreciate the little actions. चाहिए 100 तारीफें करें and I know he's genuine, लेकिन to show it in such a way, तो वो I'm that kind of romantic. और दूसरी बात ये कि लोगों के सामने तो बंदा कर लेता है एक वो एक फसाड क्रिएट करने के लिए, ड्रामा करने के लिए, जो हम मर्द हज़रात बहुत करते हैं, अब तो ख्वातीन भी काफी करती हैं. हाँ नहीं वाकई में वो ड्रामा करते हैं कि चलिए कि मैं नीचे लगा हुआ हूँ, घर जाके वो कुछ और सीन होता है. तो वो लाइक यू नो वाकई में असल पता चल जाता है, असल तारीफ वो है जो बंदा अकेले में करे या फिर मर्द अपनी माँ के सामने करे. वाह ये बड़ा अच्छा पॉइंट है. अच्छा बोला है. आई होप कि उनकी मदर भी जरा इसको ग्रेसफुली लें, काफी सारी मदर्स लेती हैं, बट यू नेवर नो. कई मर्द शर्माते हैं अपनी माँ के सामने अपनी बीवी की तारीफ करते. बिल्कुल बिल्कुल, वही तो मैं कह रही हूँ कि अगर आपने कर दी अपनी बीवी की तारीफ अपनी माँ के सामने, तो आई होप कि जो मदर हैं वो भी इसको ग्रेसफुली लें और वो उसको पर्सनली ना लें. और बच्चों के सामने तारीफ करनी बहुत जरूरी है, इसलिए कि उनकी साइकोलॉजी और उनकी ग्रूमिंग बहुत अच्छी हो रही है. जबरदस्त, प्यार की डेफिनेशन उनके लिए उनके माँ बाप हैं राइट, कि भाई प्यार ऐसा होता है, मैंने तो ऐसा देखा है. यानी कि जिन घरों में एक अब्यूजिव रिलेशनशिप है, कल को बड़े होके वो बच्चे जिन रिलेशनशिप्स में जाएंगे उनको समझ भी नहीं आएगा कि they are also falling for that because उनके लिए वो normal. बच्चों की married life के लिए couple को आज अपनी married life को बेहतर करना है, because history repeats itself. Yes. और उनकी relationships भी उतनी खराब होंगी, whether with in-laws as well. If you behave well with your mother-in-law, either of the spouses, तो आपके बच्चे यही देखेंगे और जब वो बहूज लेके आएंगे तो उनको भी वही expectations होंगी उस तरह से. So, हर चीज बच्चे absorb कर रहे हैं स्पंज की तरह. तो अगर अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए अपनी मैरिड लाइफ को बेहतर करें. Very good point. Communication को बेहतर करें. वो डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं तो लेक्चर ना दें, वो गुस्सा ना करें, बल्कि लव और लाफ्टर के साथ खाना खाएं. और ये बच्चों की ग्रूमिंग. Every child grows up with psychological issues. You and I are not the only ones. बिल्कुल, हमें लगता है हम ही हैं, सब हैं. सब हैं, नहीं वाकई में सब हैं. बिल्कुल. कोई ना कोई इशू जो है ना अटक जाता है उनके दिमाग में. बिल्कुल. और सबसे बड़े इश्यूज किसके होते हैं, जिनकी माँ बाप की आपस में कम्युनिकेशन ठीक नहीं होती. वेरी गुड, हमारे पास ब्रेक पे जाने का टाइम है. बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त कम पड़ गया है आपसे वो सारी टिप्स जानने के लिए. सो अगर जाने से पहले स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ोफ़ी कि अगर आप कोई टिप देना चाहें फॉर अ हैप्पी मैरिड लाइफ, क्या टिप होगी? एक सीरियस और एक नॉन सीरियस टिप दूंगी. ठीक है. नॉन सीरियस में ये है कि कपल्स शुड लाफ अ लॉट, दे शुड लाफ टुगेदर. ऐसी बातें कि वो जैसे हंसी है ना, रुकने को ही नहीं आ रही है, और वो इतने खूबसूरत मोमेंट्स होते हैं जो आप जिंदगी भर वो इंजॉय करते हो. बाकी चीज़ें छोड़ दो कि ये दिया वो दिया, बट जब हम इकट्ठे हंसते हैं ना तो एक ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल बॉन्ड बढ़ता जाता है. वाह wow. And it's scientific also, by the way. और जो people who are thinking of getting married, वो भी especially women, वो choose करते हैं कि कोई loving हो उनका future husband. But humor हमेशा वो कहते हैं कि यार sense of humor बहुत जरूरी है. तो वही sense of humor आगे later life में एक बहुत create करता है relationship on bonding level. No doubt. और अब serious वाला क्या था? Serious वाला ये था कि बातें ना करें, नैगिंग ना करें, क्रिटिसाइज ना करें, लेकिन कम्युनिकेट करें. कम्युनिकेट करें. ये एक तरीका है. मैंने अपने अल्फाज बदल दिए. हसीब ऐसे क्यों कर रहे हो कि बजाय कि प्लीज बेब ऐसे कर सकते हो, सेम चीज आप कह रहे हैं लेकिन लफ्ज के चेंज कर दिए, वोकैबुलरी के थ्रू चेंज कर दिए. वाह हाउ स्वीट, हाउ स्वीट. हसीब आप क्या टिप देना चाहेंगे? मैं ये कहता हूँ कि देखिए, हस्बैंड वाइफ की हैट्स उतार के तो हमें दोस्त बन के रहना चाहिए, और वो उसके लिए बड़ी सैक्रिफाइसेस करनी पड़ती हैं. वो अपने दिमाग में जो एक कल्चरल एक हमारी एक अम्ब्रेला है हमारे ऊपर कि हस्बैंड को कैसे बिहेव करना चाहिए, वाइफ को कैसे बिहेव करना चाहिए, ये उतार के दोस्त की तरह बिहेव करना चाहिए, जिसमें कि मैं अपनी सीक्रेट्स और ये अपनी सीक्रेट्स हम लोग आपस में, वरना हम लोग रहते हैं
हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं लेकिन आपस में कम्युनिकेशन कोई नहीं है. बिल्कुल. सो दो स्ट्रेंजर्स इकट्ठे रह रहे होते हैं. बिल्कुल. हम जाके स्ट्रेंजर से ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं बजाय अपने लव्ड वन से. बिल्कुल. तो ये कहाँ का इंसाफ है. इसलिए तो शादी नहीं की थी यार. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. मुझे इतनी खुशी होती है जब मैं किसी कपल को देखती हूँ जो बहुत खुश है. जब भी कभी हम देखते हैं ना कि कोई भी दो इंसान खुदा ना खास्ता कभी स्प्लिटअप हो रहे होते हैं तो दुनिया को पता चल जाता है. लेकिन जब वो साथ में हैं खुश हैं तो भी दुनिया को पता चलना चाहिए. पता है क्यों? इसलिए कि जो और लोग देखेंगे वो इंस्पायर होंगे, उनका प्यार पे यकीन बढ़ेगा, उनका इस खूबसूरत रिश्ते पे यकीन बढ़ेगा. एंड बाय नो मीन्स वी आर सेइंग कि अगर आप इन रूल्स पे अमल करेंगे तो यू नो आपकी 100% श्योर है. लेकिन आई होप, ये मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग इतने खुशकिस्मत हों कि आपको आपका वो वाला पार्टनर मिले जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना दे. ब्रेक पे जाने का टाइम है. ब्रेक से जब वापस आएंगे तो आज क्या सीखे होगा हमारे साथ. जल्दी से ब्रेक से वापस आ जाइए.